गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यूजी सेम वन का ये आज फर्स्ट क्लास है। सभी को वेलकम। सो टुडे आवर टॉपिक इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये टर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग जूनियर क्लासेस इंटर फर्स्ट ईयर में आप लोग सुने हो, इसके बारे में आप लोग पढ़े हो। फिर से आज हम लोग थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेंगे, हम लोग फिर से थोड़ा सा इसको जान लेंगे। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, जैसे सपोज मेरे सामने में मेरा एक फ्रेंड खड़ा है, तो खड़ा वो चल नहीं रहा, तो अगर मैं आपसे पूछूं जो ये व्यक्ति रेस्ट में है कि मोशन में, आप में से सभी लोग जो इस रूम में हैं, आप लोग सभी लोग बोलोगे या जो अर्थ में वो बोलोगे वो रेस्ट में। लेकिन कोई एक पर्सन को अगर हम लोग टेलीस्कोप के साथ कोई बाहर में कोई जगह सपोज मून में अगर भेज देंगे और मून से वो इसको देख पाएगा, टेलीस्कोप पावरफुल टेलीस्कोप रहेगा, उससे जब हम लोग पूछेंगे क्या ये रेस्ट में है, वो बोलेगा नहीं ये मूव कर रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन दो टाइप का मोशन है, तो वहाँ से देखने से इसको पता चलेगा जो ये मूव कर। जैसे हम अगर अर्थ में हैं तो हमसे अगर कोई पूछे अर्थ क्या मूव कर रहा रोटेट कर रहा, तो हम नहीं बोल पाएंगे, हमको लगेगा अर्थ स्टेशनरी है। लेकिन अर्थ के बाहर में अगर कोई है उससे अगर पूछा जाए तो बोलेगा अर्थ रोटेट और रिवॉल्व कर। तो कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा, इसको हम लोग को जानना पड़ेगा। तो इसी को जानने के लिए हम लोग को जो चीज़ समझना पड़ेगा वो है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ना, वो फिक्स्ड पॉइंट या प्लेस है जहाँ से कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं। क्या चीज़ का मेजरमेंट, बहुत सारा चीज़, पोजिशन को जान सकते हैं, वेलोसिटी को जान सकते हैं, एक्सेलरेशन को जान सकते हैं, अलग अलग चीज़ को हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को जिस प्लेस या जिस फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग मेजर करते हैं उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे टेक अनदर एग्जांपल, एक हम यहाँ पर रोड में हम खड़े हैं और रोड के यहाँ पर एक कार है, कार नंबर वन, और रोड के यहाँ से कार गुजर रही कार नंबर टू। अगर मुझे अगर पूछा जाए जो मैं खड़ा हूँ, मुझे अगर पूछा जाए इस कार का वेलोसिटी कितना है, तो मैं मेज़र करके बताऊँगा सपोज 50 मीटर पर सेकंड। मुझे अगर पूछा जाए इस कार का वेलोसिटी कितना है, तो मैं बोलूँगा 30 मीटर पर सेकंड, मेज़र करके मेरे लिए इतना ही दिखे। अब अगर मेरे को जब पूछा गया इस कार का वेलोसिटी कितना है, मैं बोला 50 मीटर पर सेकंड, ये मान लीजिए ईस्ट की तरफ है, ईस्ट टूवर्ड ईस्ट। इस कार के बारे में अगर मुझे पूछा जाए कितना वेलोसिटी है, मैं बोलूँगा 30 मीटर पर सेकंड टूवर्ड ईस्ट, ये अगर ईस्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर का ड्राइवर जो बैठा हो या कोई पैसेंजर से अगर हम लोग बात करें आगे जो कार जा रही है वन, उसका वेलोसिटी कितना है, तो उसको जवाब ये जो कार टू से जो जवाब आएगा कार वन का वेलोसिटी कितना है ना, वो है 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। और कार वन से अगर हमको पूछा जाए जो कार टू का स्पीड कितना है, तो ये बोलेगा -20 मीटर पर सेकंड, या तो 20 मीटर पर सेकंड ड्यू वेस्ट वेस्ट की तरफ। तो देखिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मुझसे अगर पूछेंगे इसका वेलोसिटी 50 बोलूँगा, इसका वेलोसिटी 30 बोलूँगा, लेकिन इससे जब इसका वेलोसिटी पूछ रहे तो वो बोल रहा 20, तो कौन सच बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ कि ये सच बोल रहा हूँ। इसके बारे में जब मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ 30 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ जा रहा, लेकिन इससे जब पूछा जा रहा वो बोल रहा 20 मीटर पर सेकंड लेकिन ईस्ट नहीं वेस्ट की तरफ जा रहा। दरअसल ये जितना भी आंसर है हम लोग लिखें सभी आंसर सही है, लेकिन फिर से मन में एक सवाल आ रहा, जो सच तो एक ही होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। सबके लिए अगर अलग अलग सच होगा
तब तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। तो ट्रुथ एक ही होगा, हम लोग जानते हैं ट्रुथ इज कंक्रीट, ठोस होगा, वन एक ही होगा। बट और एक डेफिनेशन है ट्रुथ का, दैट इज रिलेटिव, और ये जो रिलेटिव टर्म आ रहा है दिस इज ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम कहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट, कौन सा फ्रेम है। अगर हम रोड के किनारे में हम खड़े हैं, इस फ्रेम से अगर हम देखेंगे, इस फ्रेम से कोई भी अगर देखे, कोई भी अगर मेजर करे, तो कार वन का वेलोसिटी 30 दिखेगा, इसका वेलोसिटी 30 दिखेगा, ईस्ट की तरफ ही दिखेगा। कोई भी चाहे रहे, अगर वो सही मेजरमेंट कर रहा है तो यही आंसर आएगा। अगर कार टू में कोई भी रहे, वो अगर कार वन को अगर देखे, तो इसका खुद का स्पीड तो 30 है, तो इससे कितना ज़्यादा जा रहा है, 50 जा रहा है, तो इसको दिखेगा 50 मीटर पर सेकंड। इससे अगर कोई भी दिखे, ये तो 50 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ये 30 मीटर पर सेकंड, तो इसको दिखेगा ये 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन पीछे जा रहा है। क्यों पीछे? क्योंकि एक सेकंड के बाद ये 50 मीटर गया और 30 मीटर गया, 2 सेकंड के बाद ये 100 मीटर जाए और 2 सेकंड के बाद ये 60 जाए, तो अभी इन लोगों के बीच में गैप है कितना, 20 का गैप है, तो 2 सेकंड के बाद इन लोगों के बीच का गैप होगा 40, 3 सेकंड के बाद 60, 4 सेकंड के बाद 80, तो इसका गैप बढ़ेगा। तो इसको देखने से क्या लगेगा, जो ये मुझसे तो दूर हट रहा पीछे जा रहा। तो सब जो आंसर हम लोग देख रहे अलग अलग आ रहा, ये दरअसल झूठ बोलने के कारण अलग अलग आ रहा, बात ऐसा नहीं, दरअसल हम लोग अलग अलग फ्रेम में है बोल करके आंसर अलग अलग आ रहा। तो अर्थ के फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो कुछ अलग दिखेगा, मून के फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो कुछ अलग दिखेगा, दूसरा और अगर फ्रेम अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कुछ अलग हम लोग को दिखेगा। ये हम लोग फिर से डिटेल्स में बात करेंगे जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोग पढ़ेंगे। जो अभी तक जो हम लोग जानते थे मास, लेंथ, टाइम, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, ये किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में इन्होंने शो किया, जो हम लोग आगे के क्लास में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग जाएंगे तब हम लोग स्टडी करेंगे, उन्होंने दिखाया जो नहीं मास, लेंथ, टाइम ये भी फिक्स नहीं है, दिस आर ऑल्सो वेरिएबल एंड दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम देखेंगे, अलग अलग फ्रेम से अगर देखेंगे तो बॉडी का मास भी अलग लगेगा, लेंथ भी अलग लगेगा, टाइम भी अलग लगेगा। लेकिन कैसे, ये सवाल आ सकता है, तो ये आगे का वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग फोकस करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, ना वो प्लेस है, वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ से कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। जगह अगर बदल जाए तो फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं वो भी हमारा चेंज आएगा। इसका मतलब गलत नहीं है, क्योंकि प्लेस हम लोग अगर चेंज कर दें, फ्रेम अगर हम लोग चेंज कर दें, तो हम लोग जो मेजरमेंट है उसमें भी प्रभाव हम लोग का पड़ेगा। तो कितने टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं ना, हम लोग अभी तक खाली जो पढ़े हैं एक्चुअली हो सकता है 3 टाइप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। ये स्फेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब सेम वन में मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पोर्शन में हम लोग जब जाएंगे तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो जूनियर लेवल में आप लोग जो पढ़े हो वह है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैथमेटिक्स में हम लोग बार बार यूज करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्स, वाई और जेड एक्सिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। लेकिन हमेशा जो हमारा जो मैंने हमेशा हम लोग को प्लेन ही मिल जाएगा, बात ऐसा नहीं, जैसे मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ, जैसे ये बोर्ड हमारा प्लेन है, तो जहाँ पर प्लेन होगा वहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम काम कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसा भी फ्रेम हो सकता है, जैसे मान लीजिए सिलिंड्रिकल शेप का हो सकता है, उस समय में एक्स वाई जेड से काम नहीं चलेगा, उस समय में हम लोग को लेना पड़ेगा आर, थीटा और एक हाइट या जेड, हम लोग बोले जेड मैंने यहाँ पर हाइट, आर मैंने होगा ये वाला रेडियस, थीटा मैंने होगा कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये होगा थीटा। ये हम लोग जब मैथमेटिकल फिजिक्स में आएंगे तो डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारा ये आर है, ये आर है, ये एंगल बनेगा थीटा और ये है जेड। लेकिन कुछ ऐसा भी बॉडी हो सकता है जो कि ना प्लेन हो ना सिलेंड्रिकल, स्फीयर हमारा अर्थ जैसे, तो इस फ्रेम में अगर कोई बॉडी रहेगा इस तरह का फ्रेम में, तो हम लोग को 3 कोऑर्डिनेट का दरकार पड़ेगा, आर, थीटा एंड फाई। तो आर का मतलब ये वाला, थीटा का मतलब ये वाला, और स्फीयर का तो खाली स्फीयर तो प्लेन नहीं, एक हाइट भी है, तो हाइट के लिए हमको जाना पड़ेगा फाई। तो आज इस पर हम बात नहीं कर रहे,
किसी और दिन हम बात करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कार्टेशियन हो सकता, स्फेरिकल हो सकता, सिलिंड्रिकल हो सकता, इसी पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे आज। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, इसके पहले भी हम लोग जानते हैं, इसको फिर से हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेम है, पूरा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी के ऊपर में खड़ा है, इनर्शियल फ्रेम के ऊपर। तो कैसा फ्रेम को हम लोग बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ना, वैसा फ्रेम जो आइदर रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप लोग जानते हो रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों ही एक ही अवस्था है, जिसको हम लोग फोर्स फ्री स्टेट के नाम से जानते हैं। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसमें रिजल्टेंट जो फोर्स है वो जीरो, और कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है उसमें भी जो रिजल्टेंट फोर्स या एक्सटर्नल जो फोर्स है वो जीरो लगेगी। मीन्स आप लोग जानते हैं एफ इक्वल टू होता है हमारा एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू होगा हमारा वी माइनस यू बाई वी चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा मीन्स वी इक्वल टू अगर यू होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वी माइनस यू इक्वल टू जीरो होगा, तो ये टोटल चीज हो जाएगा जीरो। तो फोर्स लगेगा क्या, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो फोर्स लगेगा जीरो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तब भी फोर्स वो जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो, तभी वो रेस्ट में हो सकता। मीन्स रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन दिस आर फोर्स फ्री स्टेट। तो कोई भी फ्रेम को हम लोग बोलेंगे रेस्ट में है, सर इनर्शियल फ्रेम है, अगर वो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे बस के अंदर आप बैठे हो, कोई एक चीज को आप देख रहे हो और वही बस के अंदर आप हो लेकिन बस एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, तब उस चीज को आप देख रहे हो। रेस्ट में जैसे आप देखोगे यूनिफॉर्म मोशन में भी आप जो देखोगे दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन एक्सेलरेशन और फोर्स ये इनवेरिएंट रहेगा, ये हम लोग बात करेंगे रिलेटिविटी में जब हम लोग जाएंगे। लेकिन मैं जो बोलना चाह रहा था, अगर रेस्ट में है आप बस में और बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा, तो दोनों ही अवस्था में हम बोलेंगे आपका जो फ्रेम है, आप जहां से मेजरमेंट कर रहे हो, दोनों ही फ्रेम आपका इनर्शियल फ्रेम। लेकिन आप बस में एक अगर रेस्ट में हो तब आप देख रहे हो और दूसरा व्यक्ति बस में वो मूव करते हुए देख रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक्सेलरेशन का अवस्था में, तब जो दोनों आप लोग जो फ्रेम में हो, दोनों सेम फ्रेम में नहीं हो, दोनों इनर्शियल फ्रेम में नहीं हो, एक इनर्शियल में हो और एक नॉन इनर्शियल में हो। तो दो फ्रेम को हम लोग इनर्शियल बोलेंगे कब, ना दोनों रेस्ट में होना चाहिए, या तो दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होना चाहिए, या तो एक रेस्ट या तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होना चाहिए। तो रेस्ट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई फ्रेम अगर है या दो फ्रेम है तो उन दोनों को इनर्शियल फ्रेम, या अगर कोई एक है तो उसको इनर्शियल फ्रेम बोला जाएगा। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये हमारा काम करेगा। जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है आप लोग पढ़े हो, जो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपना जो अवस्था है उसी अवस्था में ही वो रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो हम लोग क्या देखें इनर्शियल फ्रेम में क्या है, एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई अगर ना हो तो न्यूटन का पहला जो नियम क्या बोल रहा है, जैसा है उसी अवस्था में रहेगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ फ्रेम में न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करेगा। सपोज बस में कोई एक बॉल को आप रखें और बस भी रेस्ट में, आप बॉल के सामने हो तो वो बॉल भी रेस्ट में होगा, वो बस अभी चलना स्टार्ट करती है, कुछ देरी के बाद बस का वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म हो जाएगा तब बॉल को आप रखोगे और देखोगे वो बॉल उसी जगह में, आपके रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, मीन्स उस पर फोर्स नहीं लग रहा। तो न्यूटन के अनुसार क्या, बाहरी बल अगर ना लगे रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, आपको वैसा ही दिखेगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहा है। फर्स्ट लॉ क्या, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, एक समान वेलोसिटी में है तो एक समान वेलोसिटी में ही रहेगा। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इनर्शियल फ्रेम में काम करेगा। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या, वैसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड है,
मीन्स एक्सलेटेड मीन्स जिसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या, या तो स्पीड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो, दोनों ही केस में वेलोसिटी चेंज हो। स्पीड अगर टाइम के साथ चेंज हो या तो डायरेक्शन अगर चेंज हो तो दोनों ही केस में वेलोसिटी चेंज हो। तो अगर कोई फ्रेम हमारा स्पीड चेंज कर रहा है या तो कोई फ्रेम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा, अगर कोई फ्रेम रोटेट कर रहा तब हम बोलेंगे वो फ्रेम है क्या, एक्सलेटेड फ्रेम, या तो उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पर न्यूटन्स का लॉज काम नहीं करेगा। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, ट्रेन में आप बैठे हो, कोई एक पत्थर को ट्रेन में रखे हो, आप देखोगे वो पत्थर को कोई टच उच नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेन जब रुक रही है तब डी एक्सलेशन हो रहा, ब्रेक लगा रही है, और ट्रेन जब चल रही है तो एक्सलेट हो रहा, तो पत्थर आगे पीछे होते रहे, लेकिन बाहर से तो कोई फोर्स हम लोग नहीं लगा रहे, कोई तो उसको टच वगैरह नहीं कर रहा, तो ये फोर्स क्यों लग रहा है। ये फोर्स एक टाइप का फोर्स हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग सुने भी हो, इसको हम लोग स्यूडो फोर्स या तो फिक्सियस फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग बहुत समय बोलते हैं वो जो पत्थर जो वहाँ पर जो रखा हुआ था, पत्थर वहाँ पर नहीं, थोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन न्यूटन्स का लॉज क्या बोल रहा है, जो जब तक एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगे तब तक तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर फ्रेम के चलते, चूँकि फ्रेम एक्सलरेट हो रहा, उस फ्रेम के चलते पत्थर आगे बढ़ गया, उस पर माने जैसे हम लोग उस पत्थर को आगे ले जाने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस फ्रेम का एक्सलरेशन के चलते ही हम लोग जिस जगह में उसको रखे थे उसी जगह में वो नहीं है, तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वहाँ पर काम नहीं करेगा। जैसे कोई फ्रेम अगर रोटेट कर रहा, रोटेट तो देखिएगा बॉडी जहाँ पर है वहाँ पर नहीं रहेगा, बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर देगा, तो वो चेंज कर रहा क्या फ्रेम के चलते, उस फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम या तो एक्सलेटेड फ्रेम। सवाल एक तो आ सकता है क्या अर्थ हमारा इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल। स्ट्रिक्टली अगर बोले, चूंकि अर्थ रोटेट भी कर रहा रिवॉल्व भी कर रहा, तो स्ट्रिक्टली अगर बोले तो अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। तो आज जो हम लोग सीखे, जो मेजरमेंट जहाँ से किया जाएगा, मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस प्लेस से जिस पॉइंट से किया जाएगा उस पॉइंट को बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो पॉइंट फिक्स्ड है या मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली अगर मूव कर रहा तब कुछ अलग मेजरमेंट आएगा, नॉन यूनिफॉर्मली अगर मूव कर रहा तब कुछ मेजरमेंट अलग आएगा। इसका मतलब मेजरमेंट के लिए हमको एक प्लेस या पॉइंट चुनना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसी के आधार पर हम क्या मेजरमेंट कर रहे हैं वो डिटरमाइन हमारा करेगा। तो आज के टॉपिक में जस्ट इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे।